हेलो फ्रेंड्स, द हिंदू के एडिटोरियल प्लस डिस्कशन में स्वागत है। आज CaféIAS के डिस्कशन में हम आर्टिकल 370 पर डिटेल से चर्चा करेंगे, जो कि कल इशू बहुत सुर्खियों में था। आज के हमारे दो टॉपिक हैं जिन पर हम बात करेंगे। एक टॉपिक पे हम कल बात करेंगे, जैसे कोड रेड फॉर लेबर पे। आज हम मेनली बात करेंगे जम्मू कश्मीर और आर्टिकल 370 पर, जो कि बहुत सारे न्यूज़पेपर सोर्स से हमने कंपाइल करा है, जिससे आपको एक बहुत कम्प्रेहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हो, आपको कहीं और देखना ना पड़े। तो शुरू करते हैं हम आज का डिस्कशन, जम्मू कश्मीर और आर्टिकल 370 GS2 की। आप इस पेपर से, इस टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं। अनाउंसमेंट आया होम मिनिस्टर अमित शाह का कल कि आर्टिकल 370 विल बी रिमूव्ड। एक्चुअली आर्टिकल 370 रिमूव नहीं हुआ, लेकिन इनइफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 370 जो वन है वो इफेक्टिव रहेगा। वो कैसे होगा वो डिटेल में हम एक बार देखते हैं। तो एग्जीक्यूटिव डिसीजन से ये आर्टिकल इनइफेक्टिव होगा, जिससे एग्जीक्यूटिव डिसीजन का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर से ये आर्टिकल है सीज टू बी ऑपरेटिव। कॉन्टेक्स्ट वही है कि रिवोक हुआ है आर्टिकल 370 और साथ में स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर का, इट इज बीन रिऑर्गेनाइज्ड इनटू टू यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेचर लाइक पांडिचेरी एंड दिल्ली, और एक लद्दाख होगा जो यूनियन टेरिटरी होगा। राइट, तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर का थोड़ा डेमोग्राफिक प्रोफाइलिंग दी हुई है, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सेक्स रेशियो कितना है, लिटरेसी रेट कितना है, और एक प्रॉपर एक मैप है जिससे आपको समझने में आए आसानी हो कि लद्दाख कहाँ है, कश्मीर और जम्मू कौन सा है, और साथ में जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो कौन सा है, आप एक बार देख सकते हैं ये। अच्छा, स्टेट और यूनियन टेरिटरी की हम बात करते हैं, उससे पहले हम जान लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस किस तरह होता है। गवर्नमेंट की हम बात करें तो स्टेट्स में खुद की गवर्नमेंट होती है जो इलेक्टेड होती है, जबकि यूनियन टेरिटरी में डायरेक्टली जो रूल होता है वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। एडमिनिस्ट्रेटर ऑब्वियसली गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर होता है, और यूनियन टेरिटरीज में इट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, जो कि या तो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जिसको जनरली हम लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कहते हैं, उपराज्यपाल। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड स्टेट्स का गवर्नर होता है, जबकि ये डायरेक्टली रूल्ड होता है यूनियन टेरिटरी सेंटर के द्वारा, तो इसमें प्रेसिडेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी और एग्जीक्यूटिव हेड भी। कंट्रोल ऑफ पावर की बात करें तो स्टेट की और सेंटर के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर का, तो इट्स अ सेपरेशन ऑफ पावर, सो द पावर लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव हो वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है सेंट्रल स्टेट के बीच में। जैसे कि आपने यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में सुना होगा, तो उसमें जो सब्जेक्ट हैं स्टेट के कौन से हैं, सेंटर के कौन से हैं, दोनों के कॉमन कौन से हैं, वो मैंशन होते हैं। यहाँ पर यूनियन टेरिटरी केस में सारी पावर है यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में होती है। अब लास्ट में हम एरिया एक डायमेंशन की बात करते हैं। स्टेट का एरिया बहुत बड़ा होता है, जबकि रिलेटिवली यूनियन टेरिटरी थोड़ी छोटी होती है। एक्चुअल में हुआ क्या है, कॉन्टेक्स्ट जानते हैं। अमित शाह ने कहा था कि आई एम प्रेजेंटिंग द रेजोल्यूशन टू रिवोक आर्टिकल 370 इन जम्मू एंड कश्मीर एक्सेप्ट द फर्स्ट क्लॉज 371। तो वही हमने बात की कि इसको स्क्रैप नहीं किया गया है, इसको इनइफेक्टिव प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत कर दिया गया है, और जिससे कि आर्टिकल 371 है लेकिन बाकी सारे प्रोविजंस हैं वो इनएफेक्टिव हैं, जिससे ऑटोनोमस स्टेट विशेषाधिकार था जम्मू एंड कश्मीर का वो खत्म हो गया है। अच्छा, आर्टिकल 371 को गया इनएफेक्टिव करने का जो तरीका था इसी आर्टिकल 370 में ही था। आर्टिकल 370 के थर्ड पार्ट में लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन टू असर्ट दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन मेक द आर्टिकल 370 इनऑपरेटिव अंडर दिस प्रोविजन। ठीक है, तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हमारे, उन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर साइन किए कि आर्टिकल 370 को इनइफेक्टिव किया जा रहा है। तर्क इस तरह से दिए गए, जनरली प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है या कोई भी पार्लियामेंट का लेजिस्लेशन है, वहां पे अप्लाई किस तरह होता है, कुछ मैटर्स को छोड़ के वहां पे जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसकी कॉन्करेंस यानी सहमति लेनी होती है। तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो अभी एग्जिस्ट नहीं करती, उसकी पावर स्टेट असेंबली के पास आ गई, लेकिन अभी स्टेट असेंबली डिसॉल्वड है, गवर्नर रूल के बाद प्रेसिडेंट रूल लग गया था, तो पावर जो असेंबली की पावर है वो इट इज वेस्टेड इन द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस ने एक नोटिफिकेशन इशू किया ओवरराइडिंग द ऑर्डर ऑफ 1954, जहां पर आर्टिकल 35A अस्तित्व में आया था,
और इनफैक्ट उसने इनफेक्टिव कर दिया आर्टिकल 370। अब एक बार देख लीजिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन किस तरह से थे। मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 370 के बारे में आपको क्या जानना चाहिए कि शेख अब्दुल्ला को अपॉइंट किया गया था महाराजा हरि सिंह के द्वारा और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कि वो जाएं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नेगोशिएट करें कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की कंडीशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो 1947 में ड्राफ्ट किया गया। जम्मू और कश्मीर के लिए इम्पोर्टेंस किस तरह से है इसकी कि डिफेंस फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन इन मैटर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखेगी। बाकी सारे मैटर पर अगर गवर्नमेंट को ऑफ इंडिया को अपना लेजिस्लेशन एक्सटेंड करना है इस स्टेट में तो वो वहाँ की स्टेट असेंबली के कॉन्करेंस से होगा। कॉन्करेंस क्या है वो भी हम बात करेंगे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कब कैसे बात हुई थी वो भी आगे आने वाला है इस वीडियो में। ये आर्टिकल 370 है वो एक टेम्पररी प्रोविजन है जो एक जे एंड के को स्पेशल स्टेटस देता है जिससे कि जम्मू एंड कश्मीर अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है और अपने आप को ऑटोनोमस पावर दे सकता है रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट स्पेशल प्रोविजन टू रिलेटेड टू देयर सिटीजन। आर्टिकल 370 डील्स विद द टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन जो जम्मू एंड कश्मीर को ऑटोनोमस स्पेशल ऑटोनोमस स्टेटस ग्रांट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल कब इंक्लूड किया गया अक्टूबर 17th 1949 को। अब आर्टिकल 370 में कहा गया है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी लॉ है या फिर पार्लियामेंट का कोई आदेश है जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होता। यहाँ पे एक्सेप्शंस थे दो आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 तो इसलिए क्योंकि उसी ने जम्मू एंड कश्मीर को ऑटोनोमस स्पेशल राइट्स दिए थे और आर्टिकल 1 इसलिए कि आर्टिकल 1 जो बात करता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज तो वो एक जम्मू एंड कश्मीर अगर भारत का अभिन्न भाग है वो आर्टिकल 1 में मेंशन है और वो आर्टिकल 1 आर्टिकल 370 के थ्रू अप्लाई होता है। ठीक है तो हमें सेंट्रल लॉ को कोई भी एक्सटेंड करने के लिए हमें कंसल्टेशन की जरूरत पड़ेगी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के तीन मैटर में क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अधिकार है डिफेंस कम्युनिकेशन एक्सटर्नल अफेयर। अगर बाकी मैटर में हमें पार्लियामेंट का ऑर्डर लेजिस्लेशन का ऑर्डर एक्सटेंड करना है किसी सेंट्रल लॉ को एक्सटेंड करना है जम्मू एंड कश्मीर पे तो कॉन्करेंस होना जरूरी है। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बात कब से शुरू हुई और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था उसने क्या किया कि जो ब्रिटिश ऑक्यूपाइड इंडिया था उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एक इंडिया बना दूसरा पाकिस्तान बना और जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया में उस टाइम करीबन 600 प्रिंसली स्टेट्स थे उनकी सॉवरेनिटी उसकी स्वाधीनता को रिस्टोर कर दिया गया था यानी कि वे स्वतंत्र थे या तो पाकिस्तान ज्वाइन करें या फिर इंडिया को ज्वाइन करें या स्वतंत्र रहें। किसी भी एक कंट्री को ज्वाइन करने की अगर वे बात करते हैं तो इट शुड बी थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की प्रोमिसेस हैं स्टेट्स को। अगर साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पाकिस्तान के साथ या इंडिया के साथ तो कुछ शर्तें होंगी और उन शर्तों को स्टेट को मानना होगा यानी इंडिया को या पाकिस्तान को जिसमें भी मर्ज हो रहा है वो रियासत उसको मानना पड़ेगा ऑनर करना पड़ेगा जो भी प्रोमिसेस किए गए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में। तो इसमें ये भी कहा जाता है कि अगर इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का ब्रीच होता है इसको माना नहीं जाता है तो एज ए जनरल रूल ये क्या होगा कि ब्रीच हो जाएगा और प्रोमिसेस ऑनर नहीं हुए हैं तो ओरिजिनल प्रोविजन पे वो पार्टी रिस्टोर हो जाएगी अकॉर्डिंग टू प्रोमिसेस मेड इन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो हाउ एक्सेशन टुक प्लेस विलय की बात हुई थी जम्मू कश्मीर इंडिया में कैसे विलय हुआ 1947 में जब जम्मू एंड कश्मीर स्वतंत्र था तो वहां के राजा महाराजा हरि सिंह रूल करते थे उन्होंने उनकी प्रेफरेंस थी कि दे वांटेड टू द सिटीजन्स ऑफ कश्मीर एंड द राजा हिमसेल्फ वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट। लेकिन क्या होता है यहाँ पे वहां का ट्राइब मैन थे पश्तून लोग थे और पाकिस्तानी आर्मी ने भी सपोर्ट किया उन दोनों ने सादे कपड़ों में जम्मू कश्मीर पे हमला करने की योजना थी और हमला कर दिया था तो इसके चलते हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद मांगी और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करने की बात की। इस अक्टूबर 26 की बात है या नेक्स्ट डे गवर्नमेंट जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे उस टाइम पे इंडिया के उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को। बाद में किस तरह से उसकी स्वतंत्रता की कंडीशन डिफाइन करनी है या फिर एक्सेशन की विलय की बात करनी है वो बाद में सेटल किया जाएगा। वो कैसे सेटल किया जाएगा कि जब ये इन्वेजन से क्लियर हो जाए उस मुक्त करा लें हम जम्मू कश्मीर को तो जम्मू कश्मीर के लोगों प्लेबिसाइट हेल्ड किया जाएगा
और उससे देखा जाएगा कि कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं और इस तरह से कश्मीर का भविष्य डिसाइड किया जाएगा। इस आशय का पत्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और एन गोपाल स्वामी अयंगर ने भी राजा हरी सिंह को लिखा था कि हाँ हम इस चीजों को मानते हैं। उसके बाद का घटनाक्रम कुछ इस तरह से है कि शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के राजा ने प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया और उनके साथ तीन और उनके साथी थे शेख अब्दुल्ला के, उनको उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के लिए नेगोशिएट किया और दैट लेड टू अडॉप्शन ऑफ आर्टिकल 370। पहले इसका नाम आर्टिकल 306 था, अभी 370 है। ये पास हुआ May 27, 1949 को और अक्टूबर 17 को फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 इंक्लूड हो गया। अब एक सवाल ये उठता है कि इस आर्टिकल को डिलीट किया जा सकता है कि नहीं। एक व्यू, इसके दो व्यू है, हाँ और ना। हाँ की बात कर लेते हैं कि हाँ इस आर्टिकल को डिलीट किया जा सकता है क्योंकि आर्टिकल 373 ये परमिट करता है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत ये स्क्रैप किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इस तरह के ऑर्डर के लिए जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कॉन्करेंस जरूरी है, उनकी सहमति जरूरी है। अगर ऐसी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जम्मू एंड कश्मीर की, वो 1957 में ही डिसॉल्व हो चुकी है, तो एक व्यू ये कहता है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही नहीं रही और कॉन्करेंस की जरूरत थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो क्या अब हो नहीं सकता, तो आर्टिकल 370 को डिलीट नहीं किया जा सकता। दूसरा व्यू ये कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पावर थी वो ट्रांसफर हो गई थी स्टेट असेंबली को, अगर स्टेट असेंबली को ट्रांसफर हो गई तो कॉन्करेंस ऑफ स्टेट असेंबली के साथ ये किया जा सकता है। इस केस में कैसे हुआ है और इस क्यों इस पे क्रिटिसिज्म हो रहा है वो भी हम एक बार बात कर लेंगे। आर्टिकल 370 का इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस क्या है, कि हमने बात की थी पहले कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 1 ये दोनों अप्लाई होते हैं जेएनके को, बाकी शर्तों को, लेजिस्लेशन को या कॉन्स्टिट्यूशन को मानने के लिए जम्मू कश्मीर की स्टेट लेजिस्लेचर बाध्य नहीं है। तो आर्टिकल 370 को डिस्क्राइब किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई करने का एक रास्ता है, तो इससे भला इंडियन गवर्नमेंट का जाता है बजाय जम्मू एंड कश्मीर की, ठीक है। तो ये आर्टिकल 370 ये एम्पायर करता है कि बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इंडिया कैन नलीफाई द इफेक्ट ऑफ जेएनके स्पेशल स्टेट के जो यूनियन लिस्ट में 97 एंट्रीज हैं उनमें से 94 एप्लीकेबल हैं जम्मू एंड कश्मीर में, कॉन्करेंट लिस्ट में 47 आइटम्स हैं उनमें से 26 एप्लीकेबल हैं एक्सटेंड किए गए जम्मू एंड कश्मीर में, 395 आर्टिकल्स में से 260 एप्लीकेबल हैं एक्सटेंड किए जा चुके हैं स्टेट में और 12 शेड्यूल्स में से 7 शेड्यूल एप्लीकेबल हैं। ये किसके थ्रू पॉसिबल हुआ है, आर्टिकल 370 के थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ये पॉसिबल हुआ है। सो इट इज मोर यूजफुल फॉर इंडिया टुडे देन जम्मू एंड कश्मीर। तो आर्टिकल 370 एक इंटीग्रेशन का इशू नहीं है, राइटर ये बोलते हैं, बट ये ऑटोनॉमी का इशू है। इंटीग्रेटेड ऑलरेडी था एक्सटेंशन के थ्रू, बल्कि ये इंडिया की मदद ही कर रहा है आर्टिकल 370, लेकिन इश्यू क्या है, ऑटोनॉमी का है। अगर स्क्रैप कर दिया जाता है ये आर्टिकल या कर जैसे कर दिया गया है तो आर्टिकल 1 भी वैलिड नहीं रहेगा क्योंकि वो 370 के थ्रू एप्लीकेबल था। अगर वो आर्टिकल 1 वैलिड नहीं रहेगा तो जम्मू कश्मीर वुड नॉट बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ऐसा राइटर का मत है। हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 35A, ये आर्टिकल 370 से ही उपजा हुआ आर्टिकल है और इसको एक्सटेंड किया गया था या इंट्रोड्यूस किया गया था 1954 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई डायरेक्ट मेंशन नहीं मिलता, जो मेन टेक्स्ट है उसमें मेंशन नहीं मिलता, क्योंकि आर्टिकल 35 के बाद सीधा 36 आता है, आर्टिकल 35A नहीं आता। ये आर्टिकल 35A कहाँ आता है, फिर अपेंडिक्स 1 में आर्टिकल 35A आता है। 35A एम्पावर करता है जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेचर को कि स्टेट के परमानेंट रेजिडेंट कौन है उसको डिफाइन कर सके, उनके स्पेशल राइट्स क्या हैं उसको बता सके, उनके प्रिविलेजेस क्या हैं उनको बता सके। लेकिन अभी कम्प्लीटली आर्टिकल 35A स्क्रैप हो चुका है। परमानेंट रेजिडेंट्स हैं उनको किस तरह डिफाइन किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में, कि जो भी पर्सन या तो जन्मा है या फिर सेटल हो गया है जम्मू एंड कश्मीर में, ऑप्शंस हैं ये जो परमानेंट रेजिडेंट्स को बताते हैं कि आप परमानेंट रेजिडेंट्स कब माने जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर के। 35 के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि जो
आर्टिकल 35A है इसको आर्टिकल 368 के तहत जो अमेंडिंग प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं किया गया है। आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर देता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने को प्रोसेस दिए हुए वो आर्टिकल 368 में है, तो उसके थ्रू आर्टिकल 35A के अमेंडिंग प्रोसेस फॉलो नहीं हुए हैं, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसका वायलेट करता है, इसलिए स्क्रैप कर दिया जाना चाहिए। दूसरा आर्ग्यूमेंट कहता है कि आर्टिकल 35A प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत इंट्रोड्यूस हुआ था 1954 में, जबकि जो डॉक्ट्राइन है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जिससे आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते वो आई थी केशवानंद भारती केस में, इट कैन नॉट बी टेस्टेड ऑन द टचस्टोन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, यानी बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन इस पर लागू ही नहीं होती क्योंकि ये पहले की बात है 1954 की। ये दो आर्ग्यूमेंट है आर्टिकल 35A से रिलेटेड। तो अब तक देखते हैं कि इंडिया ने जम्मू कश्मीर में किस तरह से मैनेज किया, जो रिसेंट गवर्नमेंट है वो किस तरह से मैनेज कर रही है, दोनों की स्टाइल में डिफरेंस क्या है। पिछले 70 सालों से न्यू दिल्ली ने कश्मीर को गुपकर रोड के थ्रू मैनेज किया। ये गुपकर रोड क्या है, ये एलाइट रोड है, इस पर बहुत बड़े पॉलिटिशियंस रहते हैं जैसे महबूबा मुफ्ती हैं, फारूक अब्दुल्ला हैं, और ये मॉडल है मैनेज करने का गुपकर मॉडल है। इट रिफर्स टू द सीरीज ऑफ पॉलिसी जो कि काइंड ऑफ अपीजमेंट पॉलिसी है जो वो बहुत प्रिडिक्टेबल हो चुकी है, जिससे कि या फ्रेंड हो या एडवर्सरी हो, लेकिन अगर कश्मीर में स्टेक होल्डर है उसको संरक्षण दिया जाता है, पेट्रोनेज दिया जाता है, उसको पावर दी जाती है, एंटाइटलमेंट दिए जाते हैं, कोई भी हो सकता है, न्यूज़पेपर है, पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको प्रसन्न रखना इस तरह से समझा जाता है कि वो हम नेशनल इंटरेस्ट में कर रहे हैं। इस स्ट्रेटजी का परिणाम क्या हुआ कि बहुत रिडंडेंट हो गई, फालतू हो गई थी ये और काउंटर प्रोडक्टिव हो गई थी। किस तरह से, किससे करप्शन बढ़ने लगा था, बैड पॉलिटिक्स हुई थी और जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज थी, अलगाववादी मानसिकता को बढ़ावा मिला इससे। जो रिसेंट गवर्नमेंट आई उसका एक अप्रोच रहा है कि डायरेक्टली रीचिंग आउट टू द पीपल विदाउट द मीडिएशन ऑफ आइदर सेपरेटिस्ट ग्रुप और मेनस्ट्रीम पॉलिटिशियन। हम किसी की भी सहायता नहीं लेंगे, अलगाववादी हों या वहाँ के मेनस्ट्रीम पॉलिटिशियंस हों, हम डायरेक्टली रीच करेंगे जो भी लोग हैं वहाँ के। और अभी जो फॉलआउट हुआ था महबूबा मुफ्ती गवर्नमेंट के साथ, उसमें एक इशू ये भी था कि महबूबा मुफ्ती गवर्नमेंट वाज वेरी अनविलिंग टू होल्ड इलेक्शन टू लोकल बॉडी, यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए इलेक्शन होल्ड करने के लिए, उनको पावर डिवॉल्व करने के लिए अनविलिंगनेस दिखाई थी मुफ्ती गवर्नमेंट ने। जम्मू एंड कश्मीर में देयर इज अ प्रोविजन टू इम्पोज द गवर्नर रूल, उसके बाद गवर्नर रूल के बाद प्रेसिडेंट रूल लगा, और प्रेसिडेंट रूल लगा उसमें क्या हुआ कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल थी बहुत ही अलार सिटी, यानी कि बहुत ही एक्टिव हो गए, तो एक्टिव होने की वजह से क्या हुआ, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को पावर डेवलप किए गए, जिससे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, मनरेगा है या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना है, मिड डे मील स्कीम्स है, उनको पंचायत को डेवलप किया गया, वहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे उनका इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल हुआ। दूसरा, जो स्कूल्स और हेल्थ इंस्टीट्यूशन है उनके सुपरविजन और मॉनिटरिंग का काम PRIs को दिया गया, PRIs का मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, लोकल बॉडीज को दिया गया। तीसरा, सवो नारोला जैसे एंटी करप्शन कैंपेन चलाए गए, जहाँ पे पावरफुल हो या इन्फ्लुएंशियल हो किसी को भी बक्सा नहीं जाना था, जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है उसके परव्यू से उसके स्कोप से कोई भी बाहर नहीं है, आप कितने भी पावरफुल हो, इस तरह के एंटी करप्शन कैंपेन भी चलाए गए। इसके साथ साथ फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट के लिए इंस्टीट्यूशन क्रिएट किए गए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्सीलेंस के लिए, एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए, जिससे क्या हो सके कि स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके और जो यूथ में रेडिकल थॉट आ रहे हैं या आ सकते हैं उनको दूर रखा जाए। ये कई राइटर्स के आपस में मत हैं, कुछ के फेवर में हैं, कुछ के अगेंस्ट में, कुछ मोदी गवर्नमेंट को फेवर कर रहे हैं उनकी पॉलिसीज को, कुछ कह रहे हैं कि ये गलत किया गया, गलत तरीके से किया गया है। कॉन्करेंस पार्ट, तो कॉन्करेंस होता क्या है, आर्टिकल 373 कहता है कि आर्टिकल 370 को रिपील तभी किया जा सकता है जब स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली J&K की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसकी कॉन्करेंस हो, लेकिन जो भी फ्रेम हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जम्मू एंड कश्मीर का, वो तो डिसॉल्व हो चुकी है कब की, 1957 में, तो आर्टिकल 373 को किस तरह इंटरप्रेट किया जाना चाहिए। ये बात बिल्कुल एग्री किए जा सकती है कि जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर का वो परमानेंट नहीं था कभी भी, उसका ये भी इंटेंशन नहीं था कि वो हमेशा परमानेंट रहेगा, लेकिन
इसको स्क्रैप किए जाने से पहले, इसको इनइफेक्टिव किए जाने से पहले एक बहुत बड़े लेवल पे सारे स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व करके कंसल्टेशन ली जानी चाहिए थी, और इसको रिवोक तभी किया जाना चाहिए था जब पूरे स्टेट के लोगों की सहमति हो, ले ली गई हो। लेकिन सेंटर ने क्या किया, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पावर थी उसने कहा कि उसके डिसॉल्व होने के बाद वो स्टेट असेंबली में ट्रांसफर हो गई है, प्रेसिडेंट रूल लगा और जो भी शक्तियां हैं अभी वहां की असेंबली की वो लोकसभा और राज्यसभा में और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत हम ऐसा कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट ये भी दे सकते हैं सेंटर कि वहां की इमरजेंसी सिचुएशन थी, वहां में इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स थी, इसके मद्देनजर रखते हुए हमें इस तरह के कदम उठाने पड़े। अब जो सुभाष कश्यप हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं वो भी ये कहते हैं कि लीगल टर्म्स में समवे कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स में गवर्नमेंट की जो पोजीशन है वो बहुत स्ट्रांग है, गवर्नमेंट को चैलेंज करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो अभी ये देख लेते हैं कि आर्टिकल 370 से पहले J&K में क्या सिनेरियो था और रिवोक होने के बाद क्या होगा। पहले J&K में स्पेशल पावर्स थी, पावर्स मिली हुई थी, अभी नहीं होंगी। पहले ड्यूअल सिटीजनशिप था, अभी सिंगल सिटीजनशिप है। पहले फ्लैग था, आर्टिकल 360 और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी रिलेटेड है वो एप्लीकेबल नहीं था, और माइनॉरिटी के लिए रिजर्वेशन नहीं था। जैसे हिंदू वहां पर माइनॉरिटी है, सिख माइनॉरिटी है, हमने इसके बारे में बात की थी शुरू में, डेमोग्राफिक्स डिस्कस किए थे तब। लेकिन अभी फाइनेंशियल इमरजेंसी भी अप्लाई हो सकती है, स्टेट का अपना कोई फ्लैग नहीं होगा, सिर्फ तिरंगा होगा, और माइनॉरिटीज को 16% रिजर्वेशन दी जाने की भी बात की है। पहले वहां पर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था कोई दूसरे स्टेट का व्यक्ति, RTI लॉ था, एप्लीकेबल नहीं था, जिससे करप्शन के चांसेस केसेस बहुत बढ़ रहे थे, इंस्टेंसेस बहुत ज्यादा थे, वो भी अब एप्लीकेबल होंगे, इंडियन सिटीजन्स प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली की पहले 6 साल की ड्यूरेशन थी, अभी बाकी स्टेट्स के हिसाब से वो 5 साल की ही रहेगी। एक इसमें प्रोविजन ये भी था पहले आर्टिकल 370 और 35A से पहले कि अगर जम्मू एंड कश्मीर की कोई भी महिला अगर बाहरी व्यक्ति से शादी करती है जो जम्मू कश्मीर का निवासी नहीं है तो वो सिटीजनशिप खो सकती है, या फिर उनके बच्चों का उसकी प्रॉपर्टी पे को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे पेरेंटल प्रॉपर्टी पे कोई अधिकार नहीं होगा। लेकिन अब इस तरह की चीजें नहीं है। बात करते हैं पंचायती राज को, पहले उनके पास उतने राइट्स नहीं थे, अभी बाकी स्टेट्स के मुकाबले उनको बराबर राइट्स दिए गए हैं, और राइट टू एजुकेशन भी इम्प्लीमेंट या एप्लीकेबल होगा। कि स्क्रैप होने के बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं कि ये डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय सेंटर रहेंगी दोनों, और लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, तो सिक्योरिटी सिचुएशन बेटर होगी, इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, और स्टेबिलिटी आने से वहां पर ट्रेड में प्रमोट होगा। जम्मू एंड कश्मीर को हेवन ऑन अर्थ कहा जाता है, तो टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा स्कोप है, जिससे वहां पर लोगों को रोजगार मिलेगा और डेवलपमेंट इनिशिएटिव को बूस्ट मिलेगा। दूसरे राइट्स भी प्रिजर्व होते हैं, अगर जम्मू एंड कश्मीर रेजिडेंट्स की बात करें स्पेशली वीमन की, तो मैरिज से रिलेटेड उनके राइट्स में काफी उनको अधिकार मिलेंगे। दूसरे स्टेट्स के रेजिडेंट्स की बात करें तो उसमें प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते थे, उनको रिजर्वेशन नहीं था, या गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉयमेंट नहीं था, अभी इस तरह की चीजें दूर होंगी, वे एम्प्लॉयमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको रिजर्वेशन भी मिलेगा, प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। तो इससे क्या है कि इन्वेस्टमेंट आएंगे, इंडस्ट्रीज आएंगे, पूरे रीजन का डेवलपमेंट होगा। अब जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कश्मीरी यूथ को अवेलेबल है तो इट वुड एक्ट एज ए चेक ऑन रेडिकलाइजेशन। दूसरा, मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट में आ जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, रेजिडेंस के बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, RTI एप्लीकेबल हो जाएगा, तो करप्ट प्रैक्टिस है, करप्शन है, उस पर अंकुश लगेगा, उससे निजात मिलेगी। और जो भी हम सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज थी, अलगाववादी मनोवृत्ति थी, उनको एक उकसावा मिल रहा था इस आर्टिकल विशेष अधिकार के तहत जम्मू एंड कश्मीर में, उनको डिस्करेजमेंट मिलेगा, जिससे सिक्योरिटी सिचुएशन और भी बेटर होगी। तो ये कुछ बेनिफिट है आर्टिकल 370 के स्क्रैप होने के। आर्टिकल 370 को जिस तरह से स्क्रैप किया गया, इनइफेक्टिव किया गया है, उसको लेके कुछ राइटर्स कुछ एक्सपर्ट क्रिटिसाइज भी करते हैं। वो किस तरह से करते हैं, वे कहते हैं कि नोटिफिकेशन लैक्स मोरल लेजिटिमेसी। कोई भी मोरल लेजिटिमेसी नहीं थी, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं, उनका कंसेंट नहीं लिया गया पहला। दूसरा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की जो नॉर्म्स थी उसका सम्मान नहीं किया गया, उसको ऑनर नहीं किया गया। दूसरे, इसमें कहा जाता है कि जैसे इंडिया अपनी लेजिटिमेसी कहां से ड्राइव करता है, कॉन्स्टिट्यूशन से, और कॉन्स्टिट्यूशन किस पर बेस्ड है, लोगों की एस्पिरेशन पे, लोगों की कंसेंट पे।
तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जम्मू कश्मीर की, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर इस तरह की रिप्रेजेंटेटिव से या फिर डेमोक्रेटिक कंसेंट से ही डिराइव कर रही थी, जो कि अभी के ऑर्डर में बिल्कुल मिसिंग है, कोई भी कंसेंट नहीं ली गई है। इसमें चौथी बात ये कही जाती है कि ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं था नेगोशिएशन की गई जो कंडीशन आर्टिकल 370 में, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिसॉल्यूशन के बाद उसकी पावर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में शिफ्ट हो जाएंगी, ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया था। तो ये इंटीग्रिटी और इंटीग्रेशन वाला मसला है कि इंटीग्रेशन के चक्कर में हम इंटीग्रिटी को भूल गए। इंटीग्रिटी क्या होती है? मॉरल डिस्पोजिशन टुवर्ड्स ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, वो भूल चुके हैं, वो कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं इंटीग्रेशन के चलते। और एक हमने ये भी बात कही थी कि इंटीग्रेशन से ज्यादा ये ऑटोनॉमी का प्रॉब्लम है। तो इन कुछ पॉइंट्स को लेके आर्टिकल 370 का स्क्रैप होने को कुछ एक्सपर्ट क्रिटिसाइज करते हैं। कंक्लूजन में ये कहा जाता है कि अभी तो धारा 144 लगी हुई है, कर्फ्यू लगा हुआ है, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, सीआरपीएफ है, आर्मी है, उनका जमावड़ा है, बहुत सारी संख्या में उपस्थित हैं लोग, लेकिन इन आर्टिकल 370 का स्क्रैप करने का और लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है कि नहीं, इसका टेस्ट तब होगा। आप लीगल टर्म्स में तो साबित कर देंगे, लेकिन पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं, लोगों की एस्पिरेशंस हैं, पीपल एस्पिरेशंस हैं, वो उसका रियल टेस्ट तब साबित होगा कि जब आप सिक्योरिटी फोर्स वापस बुला लोगे और इसके बाद भी स्टेबिलिटी रहती है कि नहीं या वायलेंस की घटना होती है कि नहीं, वो तब देखा जाएगा कि ये कितना इफेक्टिव रहा या नहीं। दूसरा ये है कि अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में आ सकता है, सत्ता में भागीदारी हो सकता है, क्योंकि यूएस और तालिबान के बीच में राउंड ऑफ डिस्कशन चल रहे हैं और यूएस अफगानिस्तान को छोड़ना चाहता है, एग्जिट करना चाहता है वहां से। अगर तालिबान सत्ता में आता है तो पाकिस्तान उन तालिबान मिलिटेंट्स को कश्मीर की इश्यू में यूज कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान तालिबान बहुत करीबी हैं, तो इस तरह की सिचुएशन में 1990s के जैसा थ्रेट उत्पन्न हो सकता है इंडिया के लिए कश्मीर से रिलेटेड। फाइनली जो भी न्यू डॉक्ट्राइन है, ये प्रपोज की गई है रेजोल्यूशन, वो एक प्रॉमिस करता है जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का इंडिया के साथ बहुत अच्छे इंटीग्रेशन के लिए, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब हम जम्मू कश्मीर के लोगों की मेजोरिटी को परसुएड करेंगे कि आपका इंडिया के साथ इंटीग्रेशन है वो आपके बेनिफिट में, आपके हित में है, क्योंकि इस इंटीग्रेशन का से आपको बहुत ज्यादा ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, फ्रीडम स्पेस की आपको राइट्स मिलेंगे, उनके राइट्स जो ऑलरेडी हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा, ना कि उनसे छीना जाएगा। और जो भी वहाँ के सेपरेटिस्ट हैं या मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं आपको अल्टरनेटिव उपलब्ध करा रहे हैं, उससे बेहतर अल्टरनेटिव इस इंटीग्रेशन से आपको उपलब्ध होंगे। इस तरह के अगर हम परसुएड कर सकें जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को, तो एक ये इंटीग्रेशन हुआ है जम्मू कश्मीर का इंडिया के साथ, वो पूरी तरह सक्सेसफुल रहेगा। आज का दूसरा इश्यू हम डिस्कस करने वाले हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंडिंग फंडिंग। ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है कि अभी एक न्यूज आई थी कि कैफे कॉफी डे के फाउंडर हैं, उन्होंने रिसेंटली सुसाइड कर ली थी क्योंकि उन पर काफी डेट था, वे काफी स्ट्रेस में थे। GS3 के इंडियन इकोनॉमी के इन टॉपिक से आप रिलेट कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट मैंने पहले ही बता दिया था, और इसमें ये कहा जाता है कि ये किस तरह का रिमाइंड है, क्या चीज हमें रिमाइंड कराता है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप का पाथ है उसमें कभी हाईज आएंगे कभी लोज आएंगे, तो रिस्क एपेटाइट के अलावा ये क्या डिमांड करता है कि आपको ग्रेट रेजिलियंस हो। ग्रेट रेजिलियंस का मतलब आप में गिर के खड़े होने की, बाउंस बैक करने की क्षमता अक्षय हो। दूसरे इसका क्रिटिसिज्म इस तरह का है कि जो प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री की बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं वो किस तरह से एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्ट्रेसफुल हो रही हैं, उनका भी क्रिटिसिज्म किया जाता है। अब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, पहले हम बात करते हैं प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल की, ये दोनों क्या होते हैं और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल दोनों ही प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, उनका एम क्या होता है कि अपने इन्वेस्टमेंट से पैसे कमाना। और प्राइवेट इक्विटी जनरली रिफर्स टू मनी इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट कंपनीज। तो दोनों में फर्क क्या है? देखा जाए टेक्निकली तो जो प्राइवेट इक्विटी है इज ए पार्ट ऑफ वेंचर कैपिटल। इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से एक गार्डन है, एक बगीचा है, उसमें काफी सारे पेड़ हैं जो फ्रूट बियरिंग ट्रीज हैं। आपको उनमें से एक ट्री सेलेक्ट करना है कई क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए, वो ट्री सेलेक्ट करना है जिसमें सबसे ज्यादा फल आए, जिससे आपको बेनिफिट हो। तो आप क्या करते हैं कि आपने एक ट्री सेलेक्ट किया, एक पर्टिकुलर कुछ क्राइटेरिया थे आपके दिमाग में,
और आपने सोचा कि फर्टिलाइजर मैं डालूंगा इसमें, इसकी केयर करूंगा तो इसमें और फ्रूट्स आएंगे, तो फर्टिलाइजर के लिए आप पैसे मांगने अपने दोस्तों के पास गए, अपनी फैमिली के पास गए, तो उन्होंने देखा कि इस पेड़ में, इस ट्री में फल आने के प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने पैसा दिया आपको फर्टिलाइजर के लिए इस एक्सपेक्ट में कि ज्यादा फ्रूट्स आएंगे, वो भी फ्रूट्स का आनंद उठा पाएंगे। इन्वेस्टमेंट उनका 10 रुपए हो रहा है तो उन्हें 100 रुपीज के फ्रूट्स मिल जाएंगे। तो इसमें एक काफी चीजें आपको क्लियर हो गई, यहाँ पे आप कौन हो, आप इसमें प्राइवेट इक्विटी फर्म हो, ट्री कौन है कि जिस कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी फैमिली फ्रेंड्स क्या है कि वो इन्वेस्टर है जो आप प्राइवेट इक्विटी फर्म में इन्वेस्ट करेंगे, और फ्रूट्स क्या है, रिटर्न्स है। तो आपको एक समझ में आएगा प्राइवेट इक्विटी क्या होती है। वेंचर कैपिटल भी लगभग इस तरह की चीज है, पर थोड़े से डिफरेंस है जो हम देख लेते हैं। पहला डिफरेंस ये है कि जो प्राइवेट इक्विटी है फर्म्स हैं वो मैच्योर कंपनीज को खरीदती हैं, यानी कि जो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं उनको खरीदती हैं, जबकि वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं स्टार्टअप्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जो भी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी में किसी का स्टार्टअप है, अर्ली स्टेज कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा टाइप किस तरह का होता है कि प्राइवेट इक्विटी हर कैटेगरी की कंपनीज को खरीदती है, जबकि वेंचर कैपिटलिस्ट जैसे हमने बात की थी कि स्टार्टअप्स में ज्यादा ध्यान देते हैं, और स्टार्टअप्स भी वो जो बहुत इनोवेटिव होते हैं रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी कंपनीज, इस तरह की कंपनीज को ज्यादा प्रीफर करते हैं वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट साइज क्या होता है कि प्राइवेट इक्विटी का जनरली साइज वेंचर कैपिटल से ज्यादा होता है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि पैसे कहाँ से आते हैं, किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं। ये प्राइवेट इक्विटी में इक्विटी शेयर्स की भी बात करता है, डेट की भी बात करता है, दोनों तरह का मनी होता है, जबकि वेंचर कैपिटल जनरली यूज करता है इक्विटी। डेट और इक्विटी में अंतर क्या होता है कि डेट एक तरह से उधार है जो आप बॉन्ड की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में किसी कंपनी से लेते हैं, जिसको आपको मैं सूद यानी कि इंटरेस्ट के साथ एक निश्चित समयावधि में चुकाना होता है। इक्विटी क्या होता है कि आप एक तरह से ओनरशिप खरीद रहे हैं शेयर्स के रूप में, स्टॉक्स के रूप में, तो जो भी प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा इक्वल पार्टनरशिप हो, पार्टनरशिप में है, और डिविडेंड भी जैसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट में कंपनी तो आपको ईयरली डिविडेंड भी पे किए जा सकते हैं। टाइम होराइजन क्या है कि प्राइवेट इक्विटी है जो मैच्योर कंपनीज को खरीदती है वो जनरली एग्जिट प्लान के साथ आती है कि 6 से 10 साल के अंदर उसको इस इंडस्ट्री से या इस कंपनी से बाहर निकल जाना है, उसके इन्वेस्टमेंट को बाहर निकाल लेना है, जबकि वेंचर कैपिटल में ये ड्यूरेशन होती है 4 to 7 years। तो अभी करंट सिनेरियो क्या है इन फंडिंग का इंडिया में कि पिछले 10 सालों में प्राइवेट इक्विटी या वेंचर कैपिटल फंडों को करीबन 14 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। इसने क्या किया है कि मिलियंस ऑफ जॉब क्रिएट किए हैं, ये ज्यादा टैक्सेस भी देते हैं गवर्नमेंट को, और इनके रिसोर्स हैं क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट पर्पज से आते हैं, तो इनके रिसोर्स हैं, ये बहुत अच्छी तरह से गवर्न्ड होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, और अच्छी तरह से कैपिटल का यूज होता है। एग्जाम्पल देखें किन किन कंपनीज में इन्वेस्ट हुआ है, जैसे ओला है, स्विगी है, पेटीएम। अब प्राइवेट इन्वेस्टर के इंडिया की इकोनॉमी में रोल को इस तरह देख सकते हैं कि ये जीडीपी का इनका इन्वेस्टमेंट जीडीपी का 1% से लेके 1.5% तक है, लेकिन अभी इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत अच्छा है, यानी वर्किंग पॉपुलेशन है उसका प्रतिशत बहुत ज्यादा है, और बैंकिंग सेक्टर को, फाइनेंस सेक्टर को भी बिलियंस ऑफ डॉलर की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, उनको रिफॉर्म्स के लिए जरूरत है, और साथ में एक एम्बिशन भी है इंडिया का कि उसको जल्दी ही $5 trillion की GDP बनना है। तो इन सब चीजों को फुलफिल करने के लिए इंडिया को बहुत ज्यादा प्राइवेट कैपिटल को अट्रैक्ट करना होगा। कितनी कैपिटल को अट्रैक्ट करना होगा, जो अभी 1% से लेके 1.5% तक है उसको 3% से लेके 4% तक पहुंचाना होगा। लेकिन हम इस पर एक बात करते हैं कि अभी जो स्ट्रेस है वो किस वजह से आ रहा है। वो इस वजह से आ रहा है कि ज्यादातर कंपनीज हैं जो प्रमोटर हैं वो डेट को प्रीफर कर रहे हैं, जिससे उन पर प्रेशर बढ़ रहा है पैसे लौटाने का टाइम पे। अगर वो प्रीफर क्यों कर रहे हैं प्रमोटर्स डेट को बजाय इक्विटी के, क्योंकि वे चाहते हैं इक्विटी देने से क्या है, हमने बात की थी कि ओनरशिप चली जाती है, तो दे आर वेरी रिलक्टेंट टू शेयर देयर कंट्रोल इन देयर वेंचर। वो उनका ब्रेन चाइल्ड है, इनका एक आइडिया है, उसमें वे पूरा कंट्रोल चाहते हैं, किसी को कंट्रोल देना नहीं चाहते हैं। और दूसरा, उनकी हाई होप्स होती हैं अपने आइडियाज को लेके कि अभी मेरा शेयर्स हैं वो अंडर वैल्यूड हैं, मेरी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी फ्यूचर में, इसके शेयर प्राइसेस बढ़ेंगे तो हम डेट आसानी से चुका सकते हैं और कंट्रोल भी
मेरा रहेगा। दूसरा जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है डेट के, उनमें यह प्रावधान होता है कि आपको स्पेसिफिक शॉर्ट टाइम्स में जैसे 5 से 7 सालों में कैपिटल को रिटर्न करना है, तो उस छोटी सी ड्यूरेशन के लिए कंपनी जो एस्टेब्लिश हुई है अभी या फिर परफॉर्म अच्छा नहीं कर पा रही, अंडर वैल्यूड है शेयर, हो सकता है उन 5-7 सालों में अच्छा परफॉर्म ना कर पाए, तो जो प्रमोटर्स हैं कंपनी ओनर्स हैं उन पे एंटरप्रेन्योर्स हैं उन पे एक स्ट्रेस बढ़ता जाता है। फाइनल वर्ड्स में इतना ही, कंक्लूजन में इतना कहा जाता है कि जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, फाउंडर्स हैं इंडिया में, उनको ज़्यादा इक्विटी फंडिंग पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि डेट से रिलेटेड जो कर्ज है, जो प्रेशर है, उससे बच सकें। आइडियली कंपनी में जो ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट जिसके अच्छे हैं उसमें 40 से 50% तक इक्विटी होना चाहिए। इट अलाउज ए लॉन्गर रन वे टू स्केल अप बिजनेस और इसे सर्वाइवल चांसेस भी आपके बढ़ा देगा, आपका रिस्क एपिटाइट भी बढ़ा देगा। ऐसा नहीं कि आपको किसी को विद इंटरेस्ट रिटर्न करना है, क्योंकि आपने ओनरशिप भी दे दी है तो आपका लॉस होता है, तो वो उसमें भी बराबर के हिस्सेदार हैं इन्वेस्टर्स आपके। अगर ये इक्विटी से रेज करते हैं हम इन तरह की चीज़ों पर ध्यान दें, तो इट विल प्रोवाइड एन इम्पीटस फॉर इंडियाज एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट मिलेगा, जिससे हमारे एंटरप्रेन्योरशिप और इंडियन इकोनॉमी को फायदा होगा। आज के डिस्कशन में इतना ही है, थैंक यू।